रूस और यूक्रेन युद्ध को 9 महीने से अधिक हो चुके हैं। अभी भी दोनों देशों के बीच भीषण बमबारी जारी है। यूक्रेन और रूस दोनों ही देश एक दूसरे पर घातक हमले कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर एक बेहद सनसनीखेज दावा करके पूरी दुनिया के सामने खलबली मचा दी है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस उसके देश के 11,000 से अधिक बच्चों को जबरन उठा ले गया, जबकि वह रूस नहीं जाना चाहते थे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी सोमवार को पाणीताणा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी पदयात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने गुजरात में नर्मदा का पानी रोकने की कोशिश की, कई सालों तक हमें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया, आज उन्हीं लोगों के कंधे पर हाथ रखकर पदयात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। गुजरात में प्रचार के लिए पहुंचे खड़गे ने रविवार को सूरत की रैली में खुद को अछूत और प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बताया। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री खुद को गरीब कहते हैं, लेकिन मुझसे बड़ा गरीब कौन होगा, मैं तो अछूत हूँ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को राहुल गांधी को बेवकूफ कहा है। वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर ठाकरे ने राहुल पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल के लिए कहा कि यू इडियट, सावरकर पर बोलने के लिए आपकी हैसियत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 24 घंटे में सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। यह बंगला दक्षिण कश्मीर के अंतनंगा जिले की हाउसिंग कॉलोनी खानाबल के क्वार्टर नंबर 7 है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 200 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 194 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 229 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 2 व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 64,61,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 66,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। बीजिंग से शुरू हुए प्रदर्शन अब 9 बड़े शहरों तक पहुंच गए हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज से लेकर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। रात भर लोग सड़क पर प्रदर्शन करते रहे। कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में मोरक्को से 2-0 से हारने के बाद बेल्जियम में दंगे भड़क गए। फैंस ने राजधानी ब्रसेल्स में जमकर तोड़फोड़ की और गाड़ियां फूंकी। पुलिस को गुस्साए फैंस को संभालने के लिए अश्रू गैस और पानी की बौछार करनी पड़ी। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में अब सर्दी ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है। कोहरे ने अब सुबह शाम यहां पर डेरा डाल लिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अब सर्दी में तेजी से इजाफा होगा, क्योंकि पारे में गिरावट देखने को मिलेगी। आने वाले 3-4 दिनों में ही दिल्ली में मौसम पलटी मारेगा और लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ेगा।